मैं तो कहती हूँ तुम भी अदनान की तरह कहीं बाहर चले जाओ। यहाँ रखा ही क्या है? घर से बाहर जाने से पहले 100 दफा सोचना पड़ता है कि बंदा वापस आएगा भी या नहीं। वैसे तुम्हारी अम्मी का भी यही ख्याल है कि तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ, जरीना से कह दूंगी कि खाना रख देगी तुम्हारी टेबल पे, जब दिल करे खा लेना। सीख रहे हैं आप? हाँ। आ जाइए, शाबाश, आप भी आइए। मैं सिर्फ 5 लगा लूं? 5 से स्टार्ट कर लेंगे, आप आइए तो। शाबाश 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 शाबाश, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। शाबाश शाबाश शाबाश, 3 4 5 धानिल भाई, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, हमारे शफकत में अपना एक्सरसाइज का भूत सवार था, तो मैंने सोचा घर में एक्सरसाइज करवा दें। ओह, आई सी। बस इस स्टूपिड से कभी कोई काम ढंग से नहीं। नहीं नहीं। ये इतनी सड़ी भी क्यों रहती है हर वक्त? बेटा भी स्टार्ट करने से, शाबाश। अभी तो सिर्फ 5 हुए थे, वो तेजी वाले मैं देख रहा था। शाबाश। जे साठ, ये पाउडर पाउडर पाउडर। 8 की आवाज नहीं। शाबाश शाबाश, सब तक मियां, अभी तो जवान है आप। सलमान, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी आपको मेरी बहुत फिक्र होती है ना? हाँ, हर माँ को अपनी औलाद की फिक्र होती है, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तो फिर आप मुझे खुद से दूर क्यों भेज रही? अम्मी मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? अम्मी प्लीज मुझे खुद से दूर मत भेजो, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अम्मी सलमान, तुम्हें कौन भेज रहा है मुझसे दूर? नहीं सलमान, रोते नहीं है सलमान। देखो मैं भला अपने आप से तुम्हें क्यों दूर करूंगी, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और फिर तुम्हें मैंने कहा कि तुम पापा का बिजनेस संभालोगे, तो फिर ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी तो फिर नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चुप कर जाओ, तुम्हारी दादी डिस्टर्ब हो जाएंगे। चले बैठो। क्या जरूरत है अम्मी के सामने इतना वावेला मचाने की?
क्या मतलब? मैं जरा सा देर से ही घर आई थी ना, कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने? बात सिर्फ देर से आने की तो नहीं है ना सज्जर, हम लोग सिर्फ इतना कह रहे थे कि जहाँ भी जाया करो बता कर जाया करो। मैं अगर अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से शॉपिंग पर चली गई तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना मैंने, कोई कयामत तो नहीं आ गई? और आप लोग इस तरह सुलूक कर रहे हैं मेरे साथ कि जैसे मैं घर से भाग गई हूँ। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। देखो, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत पर हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। पापा भी कितने परेशान हो गए थे और अम्मी भी। तो बताओ फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए? क्यों इतनी बदतमीजी कर रही हो तुम रामीन से? तुम आइंदा मेरे मामले में फालतू नहीं बोलोगी, समझी? ये इसने बात किस तरह की, मैं जाके जरा पूछती हूँ इससे। सीमा रहने दो, वो तो बचपन से ही ऐसी है। छोड़ो उसे, तुम गुस्सा मत करो, बैठ जाओ। क्या बात है, ऐसी परेशानी में क्यों बैठी हो? बस आपकी बेटियों ने ठान ली ना ये बात कि वो अपनी माँ को जिंदगी भर परेशान रखेंगी। अब क्या हुआ है? सजल आ गई है वापस, अब क्या परेशानी है? क्या क्या कह रहे हैं आप कि कोई मसला नहीं है? नवीद कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी देर से घर आती है और फिर जब आती है तो बहाने लगाती है, झूठ बोलती है, और आप कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटियों पे पूरा एतबार है। आपको है ना, लेकिन मुझे नहीं है। इतनी देर से वो घर पर आई और जब मैंने पूछा तो मुझसे बोलती है मैं तो अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर गई थी, बहाने लगाती है, झूठ बोलती है नवीद मुझसे। चलो एटलीस्ट बताती तो है ना, तो क्या परेशानी? मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आ रही, क्यों क्यों आपने इतनी आजादी दे रखी है अपनी बेटियों को? भाई बच्चों को आजादी भी देनी चाहिए, वो कोई जानवर तो है नहीं जिन्हें कैद करके रखा जाए, और वैसे भी आजाद परिंदे फिजाओं में अच्छे लगते हैं, पिंजरे में नहीं। और जब यही परिंदे बहुत दूर चले जाएंगे ना तो बहुत पछताएंगे आप। और ये सुन लीजिए, आप इसी आजादी की वजह से वो मेरी एक बात नहीं मानती। अच्छा बस भी कर, ठंडा करो अपना गुस्सा, और हाँ एक कप गरम गरम चाय पिला, तुम्हारे हाथ की चाय की शिद्दत से तलब। नवीद आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, मुझे बहुत डर लगता है। चाय आ रही हूं। सलमान भाई मुझे नींद आ रही है भाई, सुबह खेलेंगे। रुको, मैं बस चाल चलने वाला हूँ। आप चाल चलें या ना चलें, जीतना तो आप ही को होता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम भी अब बहुत अच्छा खेलने लगे हो। ये लो चेक, मेट। मैंने कहा था ना आप जीत जाएंगे भाई, मैं नहीं खेल रहा, जिंदारी और सुबह अदनान भाई को लेने भी जाना है। क्या अदनान वापस आ रहा है? हाँ, तो आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा चलें आप सो जाएं, रात बहुत हो गई, और ये गेम दोबारा करेंगे अपने मेहमानी की। सोनी हो गई है माँ।
मैं ऐसा करती हूँ, इन लोगों को फोन करके पूछती हूँ, इतनी देर होगी कहाँ रह गए। अरे रास्ते में होंगे, अब एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता भी तो इतना लंबा है। कितना इंतजार था मुझे कि मेरा बेटा घर वापस आएगा, और तुमने ही मशवरा दिया था उसे बाहर जाने का, वरना मैं उसे कभी बाहर ना जाने देती। हाँ तो, अरे उसके भले के लिए ही तो दिया था, जरा खुद सोचो, बाहर से पढ़कर आएगा तो सलमान और फातिमा पे कितना रोब होगा उसका। कह तो तुम ठीक रहे। एक बात और, उसे समझाना कि साल में एक आध चक्कर पाकिस्तान का जरूर लगा लिया करे, वरना एक बार जैसे बाहर की लत लग जाए ना, उस सालों यहाँ का मुंह नहीं देखते। अमजद तुम पागल हो गए, मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, अब उसने वापस जाके क्या करना, अब वो यहीं रहेगा और अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। अरे लगता है वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। अदनान भाई, वैसे ये बताएं, आपने हमें मिस किया या नहीं? नहीं, तुम्हें मिस नहीं किया, लेकिन हाँ तुम दोनों की शरारतों को बहुत मिस किया। और अपनी माँ को? मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। अरे मामा कैसी बातें कर रही हैं? दिन रात आपसे स्काइप पे बातें करता रहता था, मैसेजेस करता था आपको, और आप कह रही हैं कि मैं भूल गया आपको। आपको एक बात बताऊं, सीरियसली जितनी बातें मैंने आपसे की है ना, कभी अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं की। अदनान बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? जी कंप्लीट हुई है तो वापस आया हूं ना। वैसे एक बात तो बताइए मुझे, सलमान ने भी कुछ पढ़ा या ऐसे ही? वो दरअसल मामा ने बताया मुझे कि सलमान बड़ी मुश्किल से पास होता। अरे भाई ये सारी बातें छोड़ें, आप ये बताएं आप हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए या नहीं? Obviously दानियाल, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूं, बैग में पड़े। अच्छा मुझे अभी देखने हैं, मैं लेने जा रही हूं। इरम अभी बैठ जाओ, बाद में देख लेना, बैठो। अरे अदनान बेटा कैसे हो तुम? अरे चुया मामी, वाओ मामी यू आर स्टिल सेम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, और मेरा नाम सुरैया है। वैसे एक ही बात है मामी, मामू काफी देर से नोट कर रहा हूं मैं कि हम सब बातें करें लेकिन आप चुप चुप से हैं, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, तुम माशाल्लाह बोल रहे हो, मुझे क्या जरूरत है बोलने? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि मामी ने मना किया। मामी क्यों किया आपने ऐसा? मैं क्यों मना करूंगी, और मुझसे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं। सुरैया बच्चे हैं, बच्चों ने अगर मजाक कर लिया तो क्या हो गया? बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। तो मैं ताकी से मिल लिया? जी मिल लूंगा। हाँ मैं जरा दानी से मिल बैठे।
कोई जरूरत नहीं, बातें कर रहे हैं ना, बैठे हुए अभी सब, दादी दरी है, बाद में मिलेंगे। सब तुम्हारी दीवी ढील है, तुम उसे कुछ नहीं कहते ना, इसलिए वो इतना सर पे चढ़ गया है। वो तो हमारे बेटे का भी मजाक उड़ा रहे थे और तुम मिलके हंस रहे थे। अपने उस भांजे को समझा नहीं सकते कि मुझे इस किस्म के नामों से ना पुकारे, जब भी मुझे देखता है इसी नाम से पुकारते हैं। अब बस भी करो, ये क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम, बचपन से तुम्हें इस नाम से छेड़ते आ रहे हैं, कौन सी नई बात है? मैं तो समझी थी कि बाहर से पढ़कर आया है तो थोड़ी सी तमीज होगी उसके अंदर, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल अपनी मां पर गया है जो दूसरों की इज्जत करना ही नहीं जानती। बस कर दो, कब से दिमाग खा रही हो मेरा? सुनो जी, अगर आइंदा उसने मुझसे इस किस्म की बातें की या मेरी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करेगा करेगा, अभी बाहर से आया है, कुछ वक्त तो दो उसे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मामा सबसे पहले इस रूम का पेंट चेंज करूंगा मैं, और फर्नीचर भी। इट्स सो बोरिंग मामा। आप अगर मेरा लंदन वाला अपार्टमेंट देखे ना तो हैरान हो जाएंगे आप, कैसा बनाया मामा। आई एम मिसिंग इट। इतने साल माँ से दूर रहे और मेरी याद नहीं है, और अभी कुछ ही घंटे हुए हैं लंदन से आए हुए, लंदन को मिस करना शुरू कर दिया तुमने। मामा को भूला ही कब था मैं, हर वक्त तो याद करता था। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम, बटरिंग की आदत तो बचपन से नहीं गई तुम्हारी। वैसे यू नो मी सो वेल मामा, अब के वापस जाऊंगा ना तो अपनी मामा को साथ लेके जाऊंगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा। वापस? तुम्हें किसने कहा कि तुम वापस जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रहोगे, बिजनेस संभालोगे और शादी करोगे। तुम्हें अपने से इतने साल दूर रखा सिर्फ इसलिए कि मेरा ख्वाब था कि मैं तुम्हें एक दिन रेहान की कुर्सी पे बैठा देखूं। अब तुम मेरा ये ख्वाब पूरा करोगे, इसलिए चुपचाप बिजनेस संभालो और वापस जाने का सोचना भी मत। जैसा आपका। अदनान, रेहान हमेशा से चाहते थे कि उनका एक अलग घर होता, अलग बिजनेस होता, लेकिन इन जालिमों ने उनसे उनकी जिंदगी ही छीन ली। ये है जियो।